अब मैं निवेदन करता हूं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब जी का पधारे, हमें आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें, उद्बोधन दें। आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बोलिए भारत माता की। भाई ये भीलवाड़ा किसी आवाज नहीं लग रही। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। आज भीलवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी श्री दामोदर जी अग्रवाल के नामांकन के अवसर पर ये आम सभा और इस आम सभा में हमारे प्रदेश की सह प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री बहन विजय राजकर जी, हमारे पूर्व राज्यपाल बीपी सिंह जी बदनौर साहब, हमारे भीलवाड़ा के लोकप्रिय सांसद भाई सुभाष जी बहेड़िया साहब, इस भीलवाड़ा के लोकसभा के समन्वयक भाई अतर सिंह जी बड़ाना जी, संयोजक भाई शक्ति सिंह जी कालियास, सह संयोजक रामलाल जी गुर्जर साहब, सह संयोजक रामपाल शर्मा जी, सह संयोजक रूपलाल जी जाट साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई प्रशांत जी मेवाड़ा, भाजपा बूंदी के जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभुलाल सैनी जी, पूर्व मंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता कालूलाल जी गुर्जर साहब, माडलगढ़ के विधायक गोपाल जी खंडेलवाल साहब, जाजपुर के विधायक गोपीचंद जी मीणा साहब, आसींद के विधायक जब्बर जी सांगला साहब, भीलवाड़ा के विधायक भाई अशोक कोठारी जी, मॉडल के विधायक उदयलाल जी भड़ाना साहब, साड़ा के विधायक लादूराम जी पितरिया जी, शाहपुरा के विधायक भाई लाल राम जी बैरवा साहब, भीलवाड़ा के पूर्व विधायक भाई विट्ठल जी अवस्थी साहब, जिला प्रमुख वर्जी देवी भील जी, उप जिला प्रमुख शंकरलाल जी गुर्जर साहब, लोकसभा के सह प्रभारी गजपाल जी, जिला प्रभारी रतनलाल जी, जिला सह प्रभारी भाई जुगल किशोर जी शर्मा जी, और इस सभा में आए भीलवाड़ा के गांव गांव ढाणी ढाणी से मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये मायक थोड़ा, मैं आप सभी को
बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने 3 महीने पहले राजस्थान के अंदर एक जोरदार बहुमत दे करके राजस्थान में सरकार बनाई, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अगर हम बात करें हमारी केंद्र की सरकार की, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। 2004 से 2014 तक कांग्रेस का राज था। ये मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि वो दिन भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी। देश आखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, आए दिन घोटाले होते थे और घोटाले भी ऐसे होते थे कि 0000 पढ़ा नहीं जाता था। अखबार के अंदर आए दिन घोटाले आते थे और घोटाले ऐसे होते थे, जमीन पर भी घोटाला होता था, आसमान में भी घोटाला होता था और पाताल के अंदर भी घोटाला होता था। यह कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। आपने देखा होगा आतंकवादी आते थे, भीड़भाड़ वाले इलाके में कहीं बम फोड़ करके चले जाते थे, कहीं रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ करके चले जाते थे, बड़े महानगर में आते थे, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे करके चले जाते थे। यही नहीं मित्रों, हमारे सैनिकों के सिर को भी काट करके ले जाते थे और उस पर भी किस तरह की टिप्पणी करते थे, ये आपके सामने है। लेकिन 2014 के बाद आपने स्थिति देखी है, आपने देखा है, कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ के नारे दिए थे लेकिन कभी गरीब के गरीब से नाता जोड़ने का काम कभी कांग्रेस ने नहीं किया था। अगर गरीब कल्याण की बात नेहरू जी से लेकर के, इंदिरा जी से लेकर के, राजीव जी से लेकर के, मनमोहन जी से लेकर के, और आज प्रियंका जी भी कर रही हैं, सोनिया जी भी कर रही हैं और राहुल भी कर रहे हैं, आपको कितना समय हो गया ये देखना होगा। 7 दशक से गरीबी हटाओ का नारा देने वाली है कांग्रेस, इसने ना कभी गरीब की सोची थी ना किसान की सोची थी। अगर गरीब और किसान की चिंता की है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें हैं, अगर माता बहनों का किस अगर दर्द जाना है इस 70 साल के अंदर, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जाना है। आप हम सभी गांव के रहने वाले, गांव से आते हैं, आपने देखा होगा हमारी माता बहनें अंधेरा होने का इंतजार करती थी, सूर्योदय से पहले उनको शौच के लिए जाना पड़ता था, दिन में पीड़ा सहन करती थी। इस दर्द को जानने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और घर 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 शौचालय बनवाकर माता बहनों को अगर सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहने को छोटी बात होगी, कांग्रेस के लोग कहते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि 70 साल में आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई
माता बहनों के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? यही नहीं मित्रों, हमारा वो गरीब व्यक्ति बैंक की तो बात छोड़िए, बैंक की चौखट पर पैर नहीं रख सकता था, पैर नहीं रख सकता था। अगर उस गरीब आदमी का बैंक में खाता खुलवाने का काम किया, उनको उन सुविधाओं से मुहैया कराने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे और कहना चाहता हूं, जो आज किसान की चिंता करता है, कांग्रेस हमेशा किसानों की बात करती, लेकिन किसान को फायदा देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप देख सकते हैं 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, चाहे वो गरीब कल्याण को लेकर के हो, चाहे देश के विकास से लेकर के हो, या देश की सीमा सुरक्षित करने से हो, या दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ने का हो, अगर ये किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लोग हमसे कहते थे, क्योंकि हमारा संकल्प है और संकल्प हमारा यह है, चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, मित्रों हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम जो भी वायदा करते हैं उस वायदे को पूरा करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। हमारा कितना पुराना वायदा, कहते थे क्योंकि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। हम जब ये नारा देते थे, कांग्रेस ही कहते थे, इनका चुनावी जुमला है, भारतीय जनता पार्टी जुमले को देती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमने हमारे घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है कि जिस दिन हमारी केंद्र में सरकार आएगी, हम धारा 370 को हटाएंगे। और आपने देख लिया होगा मोदी जी का जलवा, जैसे ही केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। 5 मिनट के अंदर धारा 370 हटा दी गई और एक बूंद खून का नहीं गिरा। यह हम आपसे कहना चाहते हैं, जनता का भरोसा है मोदी जी के ऊपर, पूरे देश की जनता का भरोसा है। जनता इस बात को मानती है कि मोदी जी जो कहते हैं करके बताते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेसियों ने तो हल्फनामा दे दिया था, राम जी तो काल्पनिक हैं, ये तो कथाओं में आता है, अयोध्या में राम जी पैदा नहीं हुए थे। अरे ऐसा मत करिए, कांग्रेसी हो आप देख रहे हो, अब कह रहे हैं कि हमने तो साहब निमंत्रण ठुकरा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गांव के लोग हैं, गांव में जब बैल होता है और वो बुजुर्ग हो जाता है या वो पोज बढ़ जाता है, तो कहते हैं ना, इसमें से तो राम निकल गया। तो इन कांग्रेसियों में से तो राम जी निकल गए। ये तो कभी यहाँ की सीट बदल रहे हैं, कभी यहाँ की सीट बदल रहे हैं, कहीं वो कह रहा है कि मेरे को तो वैसे ही खड़ा कर दिया, कोई कह रहा है मैं तो खड़ा ही नहीं होना चाहता था, जबरदस्ती मेरे को टिकट दे दिया। अरे इनमें से तो राम, कहते हैं ना राम जी राम निकल गए, ये तो बिल्कुल राम निकल नहीं थे। जिन्होंने राम जी को नहीं मान रहे उनका राम तो निकलेगा ही, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं मित्र आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम कहना चाहते हैं जनता के बीच में, हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हम जनता के बीच में जवाबदेही है, जनता के बीच में जाते हैं, जनता जिस बात को कहती है, जनता जिस काम को कहती है, हम घोषणा पत्र में उसी काम को लेते हैं। आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर हमारे 2 रथ गए थे, हर विधानसभा के अंदर गया था,
हमने वहां की समस्याओं को लिया, हमने उस घोषणा पत्र के आधार पर हमारा संकल्प पत्र बनाने का काम किया, और वो संकल्प पत्र बनाने का काम किया हमने कहा कि हमने जो राजस्थान के अंदर हमारा जो संकल्प पत्र बनाया है, हम राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमको 3.5 महीने हुए हैं, लेकिन काम करने के लिए हमें 3 महीने यानी 90 दिन मिले थे। 90 दिन में हमने 45% हमारा संकल्प पत्र पूरा किया है, 45%। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं यही संकल्प पत्र लेकर हमारे लोकसभा चुनाव के अंदर, हमारी लोकसभा चुनाव में 2-2 गाड़ी हमारी गई है, हमने जनता के बीच में जाते हैं क्योंकि हम जनता की बात सुनते हैं, जनता जो कहती है वो हम करते हैं। हमारी अभी भी गाड़ी गई है, लोकसभा के मुद्दे हमने लिए हैं, लोकल मुद्दे हैं वो भी उनको भी लिया है, और हमारे विकास के मुद्दे हैं उनको भी हमने संकल्प पत्र में लिया है। हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, हमने आपसे कहा था 15 दिसंबर को हमारी सरकार का गठन हुआ था, 16 दिसंबर को हमने कहा कि हम जो युवाओं के सपनों को जिन्होंने तोड़ने का काम किया है, जिन्होंने युवाओं के सपने का तोड़ने का काम किया है, युवाओं को रुलाने का काम किया है, उन किसान के पुत्रों को धोखा देने का काम किया है, और जिस आशा विश्वास के साथ किसान ने अपने बेटे पर भरोसा किया था कि वो पढ़ाई करेगा, उसको कमरा दिलवाया, कोचिंग करवाई, और उसको कोचिंग करवा के हॉस्टल में रखने का काम किया, पिता ने पुत्र पर भरोसा किया और पुत्र ने पिता को विश्वास दिलाया कि अब की बार मैं परीक्षा में पास होकर के आपका सहयोगी तो बनूंगा, आपके सहारा बनने का काम करूंगा। उस विद्यार्थी के सपने तोड़ने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया। हमने कहा था कि जिन्होंने युवाओं के सपने को तोड़ने का काम किया है, हम उसको चैन से नहीं बैठने देंगे, कितना भी बड़ा आदमी हो सलाखों के पीछे जाएगा। और आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से कल भी इंस्पेक्टर पकड़ा है, इंस्पेक्टर आ कुछ ऐसे थे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, फर्जी तरीके से पास होकर के ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं अभी तो ये आ रहे हैं, लेकिन वो भी जल्दी आने वाले हैं जिन्होंने उनके साथ कुठाराघात किया है, उनका भी नंबर आने वाला है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं हमने आपसे वादा किया, हमने हमारी माता बहनों से वादा किया था कि हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम 450 रुपये में सिलेंडर देने का काम करेंगे, 450 रुपये में। हमने 25 दिसंबर को फैसला लिया और 1 जनवरी से राजस्थान की 73 लाख बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमने किसानों से वायदा किया था कि हमारे केंद्र की सरकार 6,000 रुपये सम्मान निधि देने का काम करती है, 6,000 रुपये देने का हमारी राजस्थान की सरकार करेगी। पहली किस्त 2,000 रुपये की हमने पहली कैबिनेट में 6,000 से 2,000 बढ़ा करके 8,000 रुपये किसानों को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, यही नहीं, केंद्र में हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 6,000 रुपये देती थी, लेकिन हमारे किसानों के बेटे जिनके पिताजी का देह अवसान हो जाता था, उनका नामांतरण खुलता है, म्यूटेशन खुलता है उनका, तो उनके पुत्रों को या पुत्रियों को उसका लाभ मिलता है,
इस राजस्थान की सरकार ने वो मोटेशन खोल करके उनको भी नहीं भेजा, हमने उसमें उन सभी का मोटेशन खोला, उनको भी आगे बढ़ाया और 60,000 किसानों को एक्स्ट्रा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने कहा था हम एमएसपी बढ़ाएंगे गेहूं पर, हमने 2275 रुपए से 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसान के गेहूं पर पहली कैबिनेट में एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। हमारी आंगनवाड़ी की हमारी बहनें आशा सहयोगिनी, ऐसी हमारी बहनें जो लगातार काम करती हैं, उनका मानदेय किसी ने नहीं बढ़ाया। हमारे जनप्रतिनिधि, उनका जो पंचायत राज के जनप्रतिनिधि, उनका मानदेय किसी ने नहीं बढ़ाया। नगर निकाय के जनप्रतिनिधि, उनका मानदेय भी किसी ने नहीं बढ़ाया। और हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हमारे बुजुर्गों की, हमारे दिव्यांगों की, हमारी माता बहनों की, कांग्रेस ने नहीं बढ़ाई। हमने पहली कैबिनेट में 10% बढ़ाने का काम किया और 1000 रुपए से 1150 रुपए करने का काम, वो काम भी हमने किया है। और हमारी आंगनवाड़ी और हमारे जनप्रतिनिधियों का भी 10% हमने वेतन बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके यहाँ के कुछ काम हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने घोषणा की थी और घोषणा की थी तो वो काम आपके हुए या नहीं हुए मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, चितावा में 132 के भी सब स्टेशन का वादा किया था, पूरा हुआ है क्या? अरे आप बताएं, पूरा हुआ है क्या? चितावा में 132 के भी बन गया क्या? कांग्रेस ने वादा किया था कि नहीं किया था? ये स्वरूपगंज से दर्री सड़क में पुल निर्माण, त्रिवेणी देवली सड़क पर पीपुल्ला ग्राम में बाईपास निर्माण की घोषणा की गई थी, एक पत्थर लगाया क्या? तो भाई जब ये नहीं लगा, इनकी घोषणा है तो वो जब वोट मांगने आए तो उनको कहना है कि नहीं कहना है? भीलवाड़ा के लिए अशोक गहलोत सरकार ने घोषणा की लेकिन उनको पूरा नहीं किया। आसीन, कोटड़ी, बदनौर, माडल, खेमाड़ा, साखला, कीड़ीमल तथा फूलिया कला में औद्योगिक क्षेत्र के सब्ज भाग दिखाए, उसमें हकीकत में किया क्या? अरे किया हो तो बताओ, मुझे तो पता नहीं है किए क्या। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इन्होंने बहुत सारे वायदे आपके यहाँ किए हैं, ये वायदे आप एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये झूठा लूट में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस ने इस देश को भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस इस देश में अगर भ्रष्टाचार किसी ने पैदा किया तो वो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण के आधार पर चलने वाली पार्टी है, इन्होंने हमेशा तुष्टिकरण के आधार पर चल करके काम किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि हमेशा ये कांग्रेस जातिवाद के नाम पर काम करती है, ये कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण के नाम पर काम करती है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार भी आपने बहुत बड़े अंतर से भीलवाड़ा सीट को जिताया था, राजस्थान की 25-25 की सीट आपने 2014 में भी जिताने का काम किया, 2019 में भी 25-25 सीट जिताने का काम किया। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, अब की बार भी आप 25-25 सीट जिता करके माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देंगे। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, 25-25 सीट तो जिता के देंगे लेकिन पिछली बार भी आपका बहुत बड़ा मार्जिन था 6 लाख से ऊपर। लेकिन अभी दामोदर जी कह रहे थे, हमारे जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, अब की बार भीलवाड़ा का इतिहास बनना चाहिए, इतिहास बनना चाहिए।
मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, कुछ बातों का दामोदर जी ने जिक्र किया है, ये हमारी डबल इंजन की सरकार है, भीलवाड़ा के अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और आप विश्वास मान लेना, हमारा कोई भी कार्यकर्ता सार्वजनिक काम के लिए, कोई भी हमारा बूथ का कार्यकर्ता, हमारे मंडल का कार्यकर्ता, हमारे जिले का कार्यकर्ता, हमारा मोर्चे का कार्यकर्ता, हमारा प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता या हमारा पंच सरपंच से लेकर के पंचायत समिति जिला परिषद का कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी हमारा विधायक अगर किसी बात को लेकर के आएगा तो आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी, निराशा हाथ नहीं लगेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। यह भारतीय जनता पार्टी है साहब, जो कहती है वो करती है, जो कहती है वो करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है और यह प्रदेश आगे बढ़ेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग मन बनाते हुए यहां नहीं भीलवाड़ा के अंदर आपके मिलने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पहचान वाले कोई भी अगर जिले से भी बाहर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उनको 10-10 फोन करेंगे ना, सभी लोग 10-10 फोन करेंगे ना, 10-10 फोन, सभी कम से कम 10-10 फोन करेंगे, ज्यादा करेंगे तो मैं आपका अभिनंदन भी करूंगा, सभी को फोन करेंगे कि आने वाला 2024 अब की बार जोर से अभी लगा नहीं, अब की बार फिर एक बार तो एक बार विश्वास दिलाइए, सभी मंच पर विराजमान लोगों को हाथ उठाइए, ऊपर अपने हाथ, ये पंजा मत बताइए, पंजा ने कर दिया गंजा, ये हनुमान जी की मुष्टिका बनाइए, हनुमान जी की मुष्टिका, और जोर से बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आप